तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे की जितने भी वीडियो हैं वो आप पहले ही यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जो बर्निंग प्रोड्यूस फायर, जो हम जलाते हैं किसी भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो उसमें से आग निकलता है, ठीक ना। फायर यूज़फुल एज हार्मफुल, फायर हमारे लिए यूज़फुल होता है और हार्मफुल होता है। अगर फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उसको अपने यूज़फुल के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग करने के लिए और भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फायर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे हार्मफुल होता है, कईयों को जान ले सकता है, जो है मकान जल सकता है, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है हमारे फायर से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर इज कॉल्ड द फायर फाइटिंग। फायर का एक्सटिंग्विशिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम फायर फाइटिंग करते हैं। तो अब यहाँ चूंकि फायर जो होता है हमारे लिए पूरे हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा अगर आग लग जाता है तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे बहुत चीज़ जल कर रख के राख बन जाता है, खाक हो जाता है। तो इस तरह हमें फायर को कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले जो है रिमूव ऑफ द फ्यूल्स, जो हमारा फ्यूल्स जो है जिससे हमारा आग लग रहा है वो फ्यूल से हमारा, मान लीजिए LPG गैस से आग जला तो हम क्या करें, गैस को ही बंद कर देते हैं ना, गैस जाएगा, जितना थोड़ा बहुत गैस रहेगा जलेगा और जलने के बाद फिर गैस ख़त्म हो जाएगा तो फ्यूल्स भी हमारा बंद हो जाएगा। तो हम फ्यूल्स को क्या होता है, रिमूव ऑफ द फ्यूल्स, ये जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस होता है, फ्यूल्स जो हमारा होता है गुड फॉर फायर्स होता है। तो जब स्टार्ट करता होता है रूम में तो ऑल द कम्बस्टेबल जो सब्सटेंस होता है, जैसे फर्नीचर, क्लाथ, बुक, etc, सब क्या होता है, रिमूव एट वंस सो दैट द फायर मे नॉट बी स्प्रेड। यानी कहने का मतलब कि अगर आग लगता है तो घर में जितने भी जलने वाला सब्सटेंस होते हैं, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम हटा दें वहाँ से, जिसके चलते आग हमारा फैले ना और जिस जिस ऑब्जेक्ट में आग लगा है बस वहीं तक मेरा ऑब्जेक्ट जो है सीमित रहे, दूसरे ऑब्जेक्ट में आग न लगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि रिमूव द फ्यूल्स, सबसे पहला हमें कंट्रोल करने का क्या है, रिमूव फ्यूल्स। फ्यूल्स को हम क्या करते हैं, कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं फ्यूल्स को, हम चाहें तो रिमूव करके बना सकते हैं। फिर होता है रिमूव द हीट, हम हीट को रिमूव करते हैं, ठीक ना। हीट रिमूव करने के लिए क्या कहता है, जैसे आग लगा है तो हम क्या करते हैं उसमें पानी फेंकते हैं, वाटर फेंकते हैं, तो क्या होता है, हीट हमारा रिमूव होता है, जलना बंद हो जाता है। लेकिन आग पानी हमारा हर समय कारीगर सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए तेल के, ऑयल, पेट्रोल और डीजल के चलते आग लगा उसमें पानी फेंकेंगे तो भी आग बुझेगा नहीं, क्यों, कि वो लाइटर होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है और फिर आग हमारा उसी तरह जलता रह जाएगा। तो वहाँ पर जो है वाटर हम यूज़ करेंगे, ऐसे लकड़ी पर, वुड पर अगर लगा है, किसी क्लाथ पर आग लगा है तो हम पानी के द्वारा क्या करते हैं उसको हम फेंकेंगे तो पानी से बुझ जाएगा। लेकिन ऑयल के द्वारा अगर आग लगा हो तो उसको हम पानी से चाहें तो कंट्रोल करना कंट्रोल नहीं हो पाएगा। या फिर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के चलते बल्ब आग लगा हो, फायर हो, तो वहाँ पर भी हम चाहें पानी फेंक के बुझाना तो भी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, ठीक ना। तो इस तरह जो है हम वाटर के द्वारा हर जो है फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फायर है जिसको हम वाटर के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ हीट, हीट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करते हैं। कट ऑफ द एयर सप्लाई, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, जो हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए जो हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। अगर हम किसी तरह ऑक्सीजन को ही रोक दें, ऑक्सीजन आग को न मिल पाए तो आग क्या होगा, अपने आप बुझ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कट ऑफ द एयर सप्लाई, एयर सप्लाई यानी ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और बंद करने से जो हमारा एयर होता है उसको जो है फायर जो होता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारा आग जलना बंद हो जाता है, ठीक ना। कुछ जो हमारे ऐसे आग होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो क्या करते हैं कि हम आग जो आग लगता है उस मटेरियल पर गिराते हैं तो क्या करते हैं उसके चारों तरफ कोटिंग लेयर बना देता है और ऑक्सीजन के संपर्क को क्या करता है फायर से तोड़ देता है, जिसके चलते आग हमारा आसानी से क्या होता है बुझ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका भी हम यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया जाता है वेरी हाई प्रेशर एंड सिलेंडर में रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। जब आग लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीमेटली जो है हम एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है, बढ़िया है, आग बुझाने में बहुत अच्छा होता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटिंग्विशर मतलब कि कभी कभी अगर छोटा जगह बहुत क्लाथ व्लाथ पर बहुत कम मात्रा में आग लगा होता है तो वहाँ पर हम बालू भी फेंकते हैं, बालू फेंक देते हैं तो आग क्या होता है आपका बुझ जाता है। तो हम बालू के द्वारा भी आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। तो ये सारा हमारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आग को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या बुझा सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ द कम्बस्टन, कम्बस्टन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें नेक्स्ट पढ़ना है टाइप ऑफ कम्बस्टन।
टाइप ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन हमारा जो है तीन प्रकार का जनरली आपके सिलेबस में पढ़ना। पहला है रैपिड कंबस्टन, रैपिड कंबस्टन। दूसरा हमारा होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है एक्सप्लोजिव कंबस्टन, एक्सप्लोसिव कंबस्टन। ये तीन प्रकार के कंबस्टन जो है हमें जनरली जो है आपके सिलेबस में देखने को मिलता है, और तीन प्रकार के कंबस्टन हमें पढ़ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं रैपिड कंबस्टन क्या होता है। कंबस्टन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड द रैपिड कंबस्टन। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं हम रैपिड कंबस्टन। जैसे एलपीजी का जलना, थोड़ा से जलाते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, इस सबको जलने से जो है कम समय में जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। तो ये मेरा जो एग्जाम्पल होता है रैपिड कंबस्टन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ एलपीजी, कोल, गैस, एग्जाम्पल जो है कंबस्टन होता है। इमिडिएटली जो है कुकिंग फॉर बर्निंग फॉर कुकिंग पर्पज, कुकिंग पर्पज के लिए जो जला जाता है उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन वो कंबस्टन जो खुद से होता है, उसे उसको जलाने के लिए हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ता। आप सोचो कि सर अपने से आग कैसे लग जाता है, ठीक ना। बहुत ऐसे सबस्टांस होते हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेते हैं, जैसे व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस को अगर हम किसी चाइना डिश में रख देते हैं ना तो हमारे रूम की गर्मी से आग पकड़ लेता है, ठीक ना। जैसे सोडियम वोडियम होता है, अगर उसको कहीं से एयर मॉइस्चर मिलता है तो वो हमारा जल जाता है, उसी तरह रेड फास्फोरस जो हमारा व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो हमारा खुद से वो अपने आप आग पकड़ता है, उसको जो है हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा कंबस्टन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। पता चलेगा हमारे पास में रखा हुआ है, आग तो लग गया, हम देखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए वो जो हमारा सबस्टांस होता है जो खुद से आग पकड़ता है, उसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। तो व्हाइट फास्फोरस जो हमारा होता है फास्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर पर एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस कंबस्टन कहलाता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन रिएक्शन टेक प्लेस इन नेचर इन वेरी डेंजरस, जो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होता है वो नेचुरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अचानक हो जाएगा और पता भी नहीं चलता है। फिर हम पढ़ते हैं एक्सप्लोजिव, नेक्स्ट हमारा होता है एक्सप्लोजिव कंबस्टन। ऐसा कंबस्टन यानी जो ये बहुत फास्ट आपका कंबस्टन होता है, जलता है, जिसमें अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और साउंड भी निकलता है, जैसे दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, क्या एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन होता है। बड़े बड़े जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब युद्ध होता है, फाइट होता है, ठीक ना, वर्ल्ड वार जब होता है, तो उस समय क्या होता है, कई बड़े बड़े गोले, कई बड़े बड़े जो है मिसाइल्स और बंदूक के जो है गोली छोड़े जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा कंबस्टन होता है वो क्या होता है, एक्सप्लोजिव कंबस्टन होता है, क्योंकि वहाँ पर साउंड होता है, लाइट भी निकलता है, हीट भी निकलता है और साथ ही साथ हमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये मेरा होता है एक्सप्लोजिव कंबस्टन, ठीक ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा होता है फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या होता है। देखिए फ्यूल्स एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसको जलाने से हमें हीट, लाइट और एनर्जी मिलता है। हम कह सकते हैं फ्यूल्स इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड एनर्जी, जो हमें हीट, लाइट और एनर्जी देता है उसको हम बोलते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स में आपका वुड हो गया, एलपीजी हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, सारा का सारा एग्जांपल क्या है, फ्यूल्स का ही एग्जांपल होता है, क्योंकि सबको जलाते हैं तो हीट, लाइट और एनर्जी देता है। एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, कंप्रेस नेचुरल गैस गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, वुड हो गया आपका, कोल हो गया, ठीक ना,
फिर क्या पेट्रोल हो गया, सारा जो हमारा एग्जाम्पल होता सब क्या होता है, फ्यूल्स का ही एग्जाम्पल होता है। काउ डग हो गया, वो भी हमारे प्रकार का फ्यूल्स का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। तो कुछ जो हमारा टाइप ऑफ द फ्यूल्स, हमारे कुछ फ्यूल्स ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ फ्यूल हमारे लिक्विड होते हैं, कुछ फ्यूल जो होता है हमारे गैस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे वुड हो गया, वुड हमारा सॉलिड सॉलिड हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, ठीक ना, एग्रीकल्चर वेस्टेड हो गया, काउ डग केक हो गया, उपेल जिसको हम बोलते हैं, उपले जिसको बोलते हैं, ठीक ना, वो भी हमारा क्या होता है, सॉलिड सॉलिड जो है फ्यूल्स के एग्जाम्पल होते हैं। लिक्विड फ्यूल्स में बात करते हैं तो हमारा एलपीजी, सॉरी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर आपका जो है किरोसिन हो गया, लिक्विड फ्यूल्स की बात होता है। और अगर हम गैसेस फ्यूल्स की बात करते हैं तो एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे जो हमारा क्या आता है गैस फ्यूल्स के कैटेगरी में आता है, ठीक ना। तो फायर एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, देखिए हर एक फ्यूल्स जो होता है एक बराबर ए जो अमाउंट ऑफ हीट हमें नहीं देता है, हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक ना। अब तो पता चल गया ना कि सॉलिड लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं सॉलिड फ्यूल, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं लिक्विड फ्यूल, जो गैस फॉर्म में होते हैं गैसियस फ्यूल्स होता है। कैलोरीफिक वैल्यू हम बात करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, देखिए हर एक फ्यूल्स जो होता है सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं देता है, कुछ फ्यूल्स जो है कुछ फ्यूल्स जो हीट कम प्रोड्यूस करता है, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस, जैसे हमारा जैसे उपले जिसको बोलते हैं, काउडक बोलते हैं, अलकड़ी बोलते हैं, जितना हीट प्रोड्यूस करता है उससे कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है हमारा एलपीजी सीएनजी के द्वारा, हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन के द्वारा और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, मतलब कम ही जलाते हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो कम जो वो मटेरियल जो कम मात्रा में जलाने पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो जो हो अच्छा फ्यूल्स माना जाता है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम कैलोरीफिक वैल्यू क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई कम्प्लीट कम्बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फ्यूल्स को कम्प्लीटली जलाने के लिए जितना हीट प्रोड्यूस करता है वो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होता है। मान लीजिए हम 1 किलो ले लिए काउ डग, ले गए 1 kg, हम ले लिए वुड, 1 kg एलपीजी ले लिए, इन तीनों को जलाएंगे, तीनों 1-1 kg है, तो तीनों में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा एलपीजी के द्वारा, तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बहुत से ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये हमारा होता है कैलोरीफिक वैल्यू को जनरली किलोग्राम किलो जूल पर किलोग्राम मेजर करते हैं, केजी पर केजी पर किलोग्राम मेयर हम करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। तो जो जितना ही ज़्यादा हीट पर कुछ जो है कैलोरीफिक वैल्यू आपका टेबल में मेंशन कर रखा है, जैसे एलपीजी का 55,000 केजी पर किलोग्राम होता है इसकी वैल्यू, और वानी 1 किलोग्राम अगर हम एलपीजी जलाते हैं कम्प्लीटली बंद करता है तो 55,000 किलो जूल जो है हीट एनर्जी हमें प्रोड्यूस करता है, 1 किलो एलपीजी 55,000 किलोग्राम में हमें हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो ये रहा हमारा फ्यूल्स